तो ये कोई नोटिस नहीं मिली, अचानक से आके तोड़ दिया गया है और इसका मुझे बहुत दुख है। और लगातार नाली सफाई करवाने के लिए जो सफाई कर्मचारी आता है अंकित राठौर उस आदमी से मिलकर पैसा खा के ये काम करवा रहा है। नहीं, पूर्व में सूचना है, हमारे पास नोटिस है, नोटिस की सूचना इनको दी जा चुकी है, पूर्व में है। तोड़ने से हम खुद हम कह रहे हैं इसको तोड़वा देंगे, अपने यहाँ तोड़वा देंगे, लेकिन रोड से तोड़िए, अतिक्रमण दो घर में थोड़ी ना है। आप नोटिस तो दीजिए हमें, बिना नोटिस के आप बिना नोटिस के आप कैसे तोड़ सकते हैं। बिल्कुल गलत है, पहले नोटिस देना चाहिए आदमी को, और जहाँ साफ हो रही है नाली वहाँ पर तोड़ने की क्या जरूरत है। मैं उच्च अधिकारी हूँ, सूचना है, डीएम साहब से मेरी अभी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा हम दिखवा लेंगे, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा हम दिखवा रहे हैं। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर में नगर पालिका का बुलडोजर इस वक्त लोनियनपुरवा के शास्त्री नगर मोहल्ले में पहुंच गया। आपको बता दें कि यहां पर लोगों ने जो है अवैध रूप से नाली पर निर्माण कर रखा था और जिसके चलते आज नगर पालिका ने पुलिस सहयोग के साथ यहां पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण पर जो कब्जा कर रखा था उसकी कार्रवाई किया। आपको दिखा दें कि यहां पर जिस तरह से मोहल्ले वासियों ने यहां पर एक गाड़ी का पार्किंग बनाया था जो कि नाले के ऊपर एक स्लोप बना करके कब्जा करके उसमें पार्किंग बना दी गई थी गाड़ी खड़ी करने के लिए, जिसके बाद काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ पे नगर पालिका की टीम को, क्योंकि वो गाड़ी हटवाने के लिए जिसका मकान था वो हटा नहीं रहे थे। तब तक नगर पालिका ने सख्ती अपनाई, पुलिस ने सख्ती अपनाई और इसी के बीच अब ये गाड़ी गैराज से हटाने के बाद नगर पालिका का बुलडोजर देखिए किस तरह से अब इस अवैध अतिक्रमण को गिराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर कि किस तरह से नगर पालिका के द्वारा ये अवैध निर्माण जो कराया गया था यहाँ पर वो गिरवाया जा रहा है। ये लोगों ने दुकानों पर अपने नाले के ऊपर निर्माण करा करके स्लोप बना करके शटर लगा करके पूरी तरीके से एक प्रकार का कब्जा कर रखा था, जिसे नगर पालिका की टीम के द्वारा आज यहाँ पर ध्वस्त करा जा रहा है। पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में ये कार्रवाई आप देख सकते हैं नगर पालिका प्रशासन और पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। मोहल्ले में अवैध रूप से नाले पर निर्माण कर करके
पूरी तरीके से एक लोहे का गेट लगा करके उसी के साथ में शटर लगा करके ये अवैध कब्जा किया गया था, जिसके चलते आपको बता दें कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो ये बारिश का पानी पूरे मोहल्ले में भर जाता है, गलियों में चला जाता है, और पानी जब भर जाता है तो पूरे मोहल्ले वासियों को भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होने लगी। कार्रवाई हो रही है हमारे साथ, ये कुछ मकानों पर कार्रवाई हो रही है और लगातार आप वहाँ से देख रहे हैं कि लगातार अतिक्रमण आ रहा है। कुछ एक लोग जो अपने घर के सामने नाली नहीं बनवाए हैं उन लोगों की ये कंप्लेन है, क्यों? क्योंकि वो अपने घर के आगे कह रहे हैं कि मैंने जमीन खरीदी हुई है। जैसे ये बनाया था, ये आपका मकान था? जी मेरा मकान है, हम इसको तोड़वाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर पालिका ने मुझे एक दिन का भी समय नहीं दिया। जैसे आज ये कार्रवाई हो रही थी तो ये यहाँ नोटिस नहीं मिली, अचानक से आके तोड़ दिया गया है, और इसका मुझे बहुत दुख है कि ये घर हमारा तोड़ा जा रहा है। हमारे घर में आप इधर आइए देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो बनवाया गया है ये हमारे घर के अंदर, आप देखिए कि यहाँ पर दरवाजा नहीं है। मेरा घर आज रात में अगर चोरी हो जाती है तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर मेरे ये दरवाजा, तो ये आपने नाले के ऊपर क्यों शटर लगवा दिया? नाले के ऊपर कोई शटर नहीं लगवाया, लगातार जब ये लगातार लोगों को मैंने देखा कि नाला के ऊपर शटर नहीं है। सर हमने जरा सा केवल एक फिट हम बढ़े थे, क्योंकि गाड़ी छोटी, हमारी बड़ी गाड़ी नहीं थी, छोटी गाड़ी थी, वो आ नहीं रही थी, तो हमने उसको थोड़ा बढ़वाया। हमने नाली भी बनवा रखी है और लगातार नाली सफाई करवाने के लिए जो सफाई कर्मचारी आता है अंकित राठौर उस आदमी से मिलकर पैसा खा के ये काम करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है दुकान जिनका ये मकान तोड़ा जा रहा है, ये नाली के ऊपर बता रहे कि मैंने अतिक्रमण कर नहीं रखा था, लेकिन आप कैमरे में देख रहे हैं कि किस तरह से नाली के ऊपर एक स्लोप बनाया गया है और पूरी तरीके से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। नगर पालिका के द्वारा जो है ऐसे ही ये कार्रवाई लगातार चल रही है। हम नगर पालिका की टीम से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये बुलडोजर की कार्रवाई जो नगर पालिका द्वारा की जा रही है वो आखिर किस लिए की जा रही है, क्या ये कार्रवाई कहाँ तक चलेगी, लगातार ये बढ़ता रहेगा कार्यक्रम नगर पालिका के द्वारा, क्योंकि बताते हैं कि नाले की सफाई यहाँ पर नहीं हो पाती थी। आज बुलडोजर चल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये हमको IGRS से कंप्लेन थी, यहाँ पे जल भराव होता था काफ़ी, साइड में गली है वहाँ पे जल भराव होता था, उसी के कारण अतिक्रमण के कारण नहीं हो पा रहा, जल अवरोधक का काम कर रहा था, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है आज की डेट में। कहाँ तक ये कार्रवाई चलेगा बुलडोजर? ये आगे लगभग 200 मीटर तक अवरोध है वहाँ पर, वहाँ तक हम लोग इसको कार्रवाई करके पूरा करेंगे। यहाँ के मोहल्लेवासी कह रहे हैं कि इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, पूर्व में सूचना है, हमारे पास नोटिस है, नोटिस की सूचना इनको दी जा चुकी है, पूर्व में है। बिल्कुल, ये हमारे साथ नगर पालिका के इंस्पेक्टर, सफाई इंस्पेक्टर जागेंद्र, इनका कहना है कि यहाँ पे नोटिसें दे चुकी हैं, लेकिन आपने पूरी तरीके से देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पर जो है नाली के ऊपर बना रखा है, और अब जो है यहाँ पे नाली जो थी वो अवरुद्ध हो गई थी। लोनियन पुरवा जो मोहल्ला है, शास्त्री नगर बोलते हैं, और इसी के बीच पूरे रोड पर अभी भी आपको दिखा दें, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि किस तरह से देखिए लोगों ने यहाँ पर दुकान बना कर रखी है। ये पूरा नाला है और नाले के साथ में ये दुकानें बनी है, इसी के वजह से नाले की बताते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, और जब नाले की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है समुचित रूप से तो ये बरसात का पानी नाले में जा करके नाले को पूरी तरीके से चोक कर देता है और पूरी तरीके से यहाँ मोहल्ले में पानी भर जाता है। हम यहाँ के कुछ लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये जो अतिक्रमण चल रहा है, ये बुलडोजर चल रहा है, क्या कार्रवाई सही है? बिल्कुल गलत है, पहले नोटिस देना चाहिए आदमी को, और जहाँ साफ हो रही है नाली वहाँ पर तोड़ने की क्या ज़रूरत है बताओ? पहले नोटिस दें। आदमी अगर अपनी तोड़वा ले रहा है स्वेच्छा से तो काहे नुकसान किया जा रहा है बताइए? नाली के साथ साथ उसका दीवार गिर रहा है, कौन जिम्मेदार होगा? फिर नोटिस नहीं है, ना उच्च अधिकारियों को सूचना है। DM साहब से मेरी अभी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा हम दिखवा लेंगे, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा हम दिखवा रहे हैं। नगर पालिका के जो अधिकारी वो बता रहे कि ये पानी भर जाता था दुकान पे, लोगों ने कब्जा कर रखा नहीं, नहीं दुकान उकान पे कब्जा नहीं, पीछे नीचा है, वो इतना नीचा है ये तोड़ने से भी पानी नहीं निकलेगा। तोड़ने से भी कोई राहत नहीं मिलेगी? कोई राहत नहीं मिलेगी, आप मिल जाए तो बताओ, हम सब तोड़वा देंगे। तोड़ने से राहत मिल जाए, नाली में है, नाली में, क्योंकि घर के आगे इनके नालियाँ नहीं बनी है, तोड़ने से हम कह रहे हैं इसको तोड़वा देंगे, अपने यहाँ तोड़वा देंगे, लेकिन रोड से तोड़िए, अतिक्रमण दो घर में थोड़ी ना है, सबका तोड़िए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है। अधिकारी पर्सनल व्यवहार पे आए हैं, ठीक है, नेता लोग लेके हैं, नेता लोग जो यहाँ लगे हैं चुटभैया वही सब लगवा गए, पूरे बुलडोजर चल रहा है, सब पर बुलडोजर चल रहा है, गलत चल रहा है, ना पढ़ाई जा रही, पर्सनल चैलेंज किया गया था वो किया जा रहा है, उन्होंने कहा था तुम्हारा तोड़वाएंगे तो उनका तोड़, चार घर का तोड़, आप यहाँ से कैमरा लगा लो किसी का तोड़ा गया है, वहाँ कैमरा उधर घुमा दो भैया,
अरे ये तो नहीं, वो तो ठीक बात है, तो बात करते हैं। आप नीचे दिखाइए, आप देखो कहीं गंदगी। देखिए, ये मोहल्ले वाले का कहना है कि यहाँ पर जो ये कार्रवाई हो रही है ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन जो अतिक्रमण यहाँ पर हुआ है वो नगरपालिका कह रही है कि पहले से नोटिस दी जा चुकी है और नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको और दिखा दें कि बुलडोजर जो है फिर से तैयार हो गया है, दूसरी दुकान जो नाले के ऊपर बनी थी उसे ध्वस्त करने के लिए। मोहल्ले वासियों में काफ़ी आक्रोश है, उनका साफ कहना है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत रूप से की जा रही है। कोई भी नोटिस नहीं दी गई थी, कुछ मकान को चिन्हित करके गिराया जा रहा है और कुछ को छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में नगरपालिका सिर्फ अपनी सफाई दे रही है कि पूरी तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जिन्होंने नाले के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा था धीमे धीमे उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है, यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और आक्रोश के साथ जो है लोग में काफ़ी नाराज़गी भी। फिलहाल हमारे साथ यहाँ मोहल्ले के हमारे संवाददाता अरुणेश भी मौजूद है। अरुणेश, ये बताएँ क्या है पूरा मामला? सर, मैं भी इस मोहल्ले का ही निवासी हूँ और बचपन से जो है यहीं पर रहता हूँ। सर, समस्या ये है कि ये जो नाली है ये काफ़ी समय पहले बनवाई गई थी और पहले इसकी रोज़ाना मतलब टाइमली सफाई भी होती थी। वक्त के साथ लोगों ने नाली पर अतिक्रमण किया और अवैध कब्जा है। और इसके बाद आपको बता दें, जब लोगों द्वारा इसको मना नहीं किया गया तो उनके हौसले और बुलंद होते गए और अब आप देख सकते हैं कि लोगों की दुकानें तक जाते हैं और इसको कई बार ये यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी जिनके घरों में पानी भरता है, पिछली गली में रहते हैं और उनको वो पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, तब जाके उनको ये इतनी कार्रवाई जो है जब सरकार बदली। और आखिर ये बताएं यहाँ पे क्यों कार्रवाई की जा रही है, क्या पानी नहीं भरता था? यस सर, अभी जब पहली बारिश पड़ी यहाँ पर तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये गली में जितने मकान हैं सब घरों में पानी, इवन हमारे खुद के घर में पानी था। पानी बचा था क्या, आप यही कह रहे हैं? हमारे घर में हम तो पूरी 20 फुट की स्लैब बाबूजी तो राय डरें कि पानी जो है पूरी जट्टी भर से ऊंची रहा है और जब पानी निकासे न आए है वो सफाई कर्मचारी का इनमा कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं कोई ना। कार्रवाई सही हो रही गलत हो रही? सही, एकदम सही हुई रही। हाँ बिल्कुल सही। कुछ मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है, वहीं कुछ मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये कार्रवाई सही है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है जिस तरह से मोहल्ले नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अवैध निर्माण नाली पर कर दिया गया है। आप इसी में देख सकते हैं, इस घर पर नाली कहीं दिख नहीं रही है, नाली के ऊपर पत्थर बनाया गया है, पत्थर के ऊपर रख के अलग से दुकान बनवाई गई है। ये जो कार्रवाई चल रही है जिसका टूट रहा है वो काफ़ी आक्रोश में, काफ़ी नाराज़ है प्रशासन के खिलाफ भी कि कोई भी नोटिस नहीं दी गई। ये सिर्फ व्यक्तिगत यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और उसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि नगर पालिका के जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि IGRS के माध्यम से सूचना मिली थी और यहाँ मोहल्ले में जब बरसात होती है तो पूरी तरीके से पानी भर जाता था, इसके चलते साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी और इसी के चलते आज ये काली कार्रवाई की गई है। फिलहाल कुछ मोहल्ले वासी यहाँ पे खुश हैं कि पानी अब जो है नाली की सफाई हो सकेगी, लेकिन जिनका मकान टूट रहा है वो काफ़ी नाराज है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ अवनेश अवस्थी, निशांत गुप्ता, सीतापुर। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।